हाय, इससे पहले कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन में आगे बढ़े, आज हम नीट के सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट फिजिक्स का एक सुपर डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। इस डिस्कशन के एंड तक आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फिजिक्स मेरी खुद की नीट प्रिपरेशन में मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट / फेवरेट सब्जेक्ट था। अब ये बात सिर्फ मैं खुद कहूँ तो क्या ही फायदा, इसलिए वी हैव माय फ्रेंड अरसलान। हाय अरसलान, व्हाट डू यू थिंक माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट फॉर नीट वाज? Definitely physics, for sure. But biology was pretty average, though, not gonna lie. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. ओके, तो पॉइंट पे आते हैं। फिजिक्स में फुल ऑन फुल स्कोर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट येट सबसे सिंपल चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे बिलीव, खुद पे यकीन कि आई कैन एंड आई विल स्कोर अ फुल 180 इन नीट फिजिक्स। हियर इज हाउ यू डू दैट। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में फिजिक्स को सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोला था, विच इज इन फैक्ट द वन थिंग जो आज से आप कभी भी नहीं करोगे। आपके फिजिक्स को डिफिकल्ट मानने से ही आपके दिमाग में पैसिवली एक फेयर जनरेट हो जाता है, जो कि इस वीडियो के बाद से इनफैक्ट इसी सेकेंड से आपको खत्म करना ही होगा, वरना आपकी प्रिपरेशन और फिर अल्टीमेटली आपका नीट स्कोर बुरी तरह इफेक्ट हो सकता है। तो याद रखना, फिजिक्स आसान होती है। अब क्योंकि फिजिक्स इतनी आसान हो ही गई है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने अभी तक अपना टारगेट 140 प्लस, 120 प्लस, 100 प्लस ऐसा क्यों रखा है? सी, डजंट मैटर आप एक टॉपर हैं, एवरेज हैं या फिर बिलो एवरेज हैं, आपका फिजिक्स के लिए टारगेट सिर्फ और सिर्फ 180 होना चाहिए, नथिंग लेस। क्योंकि मैं नहीं मानता अपना एम 180 से कम रखकर आपको कोई भी फायदा हो सकता है। इनफैक्ट इस वीडियो में कोई भी एडवाइस मैं आपको 100% से कम स्कोर करने के लिए ना ही दूंगा, ना ही आपको खुद लिमिटेड रहना चाहिए। ओके, नाउ दैट वी आर मेंटली ऑल सेट, लेट्स डाइव डीप इनटू व्हाट आई बिलीव विल बी योर बाइबल फॉर फिजिक्स, नीट फिजिक्स। वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप में से किसी को अगर नहीं पता तो नीट यूजी एग्जामिनेशन के कुल मिलाकर होते हैं 720 मार्क्स डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स विद 180 मार्क्स ईच। और आज हमारा टारगेट है फिजिक्स, जिसमें है 40 कंपलसरी क्वेश्चंस प्लस 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करने हैं सिर्फ 5। तो कुल मिलाकर इन 45 क्वेश्चंस को आज हम लोग टारगेट कर रहे होंगे, जिसके लिए हमें जानना पड़ेगा नीट फिजिक्स में ऐसा है क्या जिससे ये 45 क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि सुपर डिटेल्ड डिस्कशन बोला है तो हर एक चीज डिस्कस करके जाएंगे। तो हमारा चहेता फिजिक्स सब्जेक्ट बना है दो चीजों से। नंबर वन, थ्योरी, जिसे पढ़कर आप पहले कंसेप्ट समझ सकते हैं और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दोज कंसेप्ट। वैसे तो हर एक न्यूमेरिकल थ्योरी पर ही बेस्ड होता है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेट्स से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस। नंबर टू, न्यूमेरिकल्स, यानी वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स जिन्हें आप कैलकुलेशन यूज करके सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट मेक्स द मेजॉरिटी ऑफ योर पेपर विद अराउंड 40 क्वेश्चंस। लेकिन पेपर कंपोजिशन को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए हम इन दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट पे होल्ड बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे लेयर बाय लेयर इंस्टेड ऑफ गोइंग पीस बाय पीस। लेट मी एक्सप्लेन। ये है एक रूबिक्स क्यूब, जो वीडियो की स्टार्ट में मैं सॉल्व कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से मैं इस रूबिक्स क्यूब से टोटली अडिक्ट हो गया था और इसे कंटिन्यूअसली सॉल्व करने की ट्राई कर रहा था। बस कुछ ही दिन पहले था कि व्हेन आई वाज एबल टू फाइनली सॉल्व द क्यूब बाय अप्रोचिंग इट लेयर बाय लेयर इंस्टेड ऑफ गोइंग पीस बाय पीस, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट पीस बाय पीस, जो कि आई एम श्योर आप में से कई लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ भी कर रहे हैं। तो ये रही वो लेयर्स जिन्हें हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं टू फुल्ली सॉल्व आवर पजल ऑफ फिजिक्स। फॉर आर फर्स्ट लेयर वी हैव लर्निंग, यानी वो पहला स्टेप जहां आप टीचर से चीजें पढ़ेंगे, साथ में क्लास नोट्स बनाएंगे और फिर उन नोट्स को रिवाइज करते जाएंगे। ये टीचर आपकी ऑफलाइन कोचिंग से हो सकता है, आपके ऑनलाइन लिए हुए बैच से हो सकता है या फिर यूट्यूब से भी हो सकता है। इनमें से किसी भी सोर्स से आप काफी अच्छे से चीजें समझ सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड ये मैटर करता है कि आप फाइनेंशियली कितना अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली केपेबल हो तो आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए और साथ में ऑनलाइन कोर्सेज भी। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ऑनलाइन बैच लो, और अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब से फ्री लेक्चर से भी अपनी सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप किसी भी फेमस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, सभी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। मेरी बात करें तो मैंने अपनी खुद की कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट श्रीनगर से की है। ऑनलाइन सोर्सेज की बात करें तो यहां सब इक्विवेलेंट नहीं है। मैंने खुद फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म के यकीन बैच से भी अपनी प्रिपरेशन की थी, और आई डोंट थिंक कोई भी रीजन है कि आपको पीडब्ल्यू के अलावा कहीं और से बैचेस लेने चाहिए, एक्सेप्ट अगर आप ऑलरेडी कहीं और से बैच ले चुके हैं। अगर आप यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आपको पीडब्ल्यू के ही फ्री लेक्चर्स रेफर करने चाहिए विद सम अदर चैनल्स सच एज दीज।
आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आप सिर्फ उसी टीचर से पढ़ें जिसे आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। उन टीचर्स पे बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर ना हो जाए तब तक आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। और हाँ, एक और ऑनलाइन सोर्स जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है वो है डाउट नेट। मैंने अपनी खुद की नीट प्रिपरेशन में डाउट नेट को काफी ज्यादा यूज किया था और आज हम इसे अपनी सेकेंड लेयर में यूज करेंगे। Which leads us to our second layer, practicing. अब क्योंकि हमने टीचर से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, उसके प्रॉपर क्लास नोट्स भी बना लिए, चार कलर्स के पेन से ऑफ कोर्स, उसे अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, तो अब हमें जरूरत है बुक सोर्सेज की ताकि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट बन सके। देयर आर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ बुक्स टू चूज फ्रॉम। और इससे पहले कि आप और कंफ्यूज हो, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक सोर्स है कोचिंग मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स आपको आपकी कोचिंग से मिलती है अगर आप वहां के स्टूडेंट हैं, एंड आई थिंक इट इज द कंप्लीट पैकेज फॉर नीट। इसमें थ्योरी, सॉल्व एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी एक सीक्वेंशियल मैनर में दिया होता है। अगर आपको ये मॉड्यूल्स मिल चुकी हैं या फिर मिलने वाली हैं तो आपको कोई भी और मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद भी अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इन्हीं मॉड्यूल्स को यूज किया था। और हाँ, अगर आप किसी भी कोचिंग में नहीं है और आपने अभी तक कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं खरीदा है तो आपको भी कोचिंग मॉड्यूल्स ही खरीदनी चाहिए, जो कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये आपको सेम ही प्राइस पे मिल जाएंगी अगर आप कंसेप्ट बुक प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक और पीवाईक्यू बुकलेट सबका प्राइस एक साथ कंसिडर करें, क्योंकि मॉड्यूल्स इन सबका सिंगल सब्स्टिट्यूट है जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा सिंपल बन जाएगी। अब अगर आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है और आप दूसरा स्टडी मटेरियल ले चुके हैं तो फिर आपको मॉड्यूल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। हियर इज अ रिव्यू ऑफ सम ऑफ द अदर मटेरियल आई नो अबाउट एचसी वर्मा। मैंने इस बुक की दोनों वॉल्यूम्स अपनी प्रिपरेशन में सॉल्व की हुई है एंड आई थिंक इट इज अ गुड बुक। इसका लेवल नीट से ऊपर है, लेट्स से अराउंड जेई मेंस या उससे भी थोड़ा सा ऊपर। अगर आप नीट के लिए चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट आई डू नीड टू मेंशन कि अगर आप इसे छोड़कर कोई और नीट बेस्ड स्टडी मटेरियल को सॉल्व करेंगे तो आप कुछ भी ज्यादा मिस नहीं कर रहे होंगे। अब अगर आप इस बुक को सॉल्व करने ही वाले हैं तो हियर इज अ प्रो टिप फॉर एचसी वर्मा। चैप्टर के एंड में जब आप एक्सरसाइज पे पहुंचे तो उसे रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व किया करें, यानी कमिंग बैकवर्ड्स। दिस विल मेक थिंग्स अ लॉट ईजियर। डीसी पांडे एंड एररलेस फिजिक्स। मैंने इन दोनों बुक्स को खुद पर्सनली सॉल्व नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग इन बुक्स को यूज करते हैं एंड आई नो फॉर अ फैक्ट These are very good books. Errorless Physics में आपको ज्यादा questions मिलेंगे, let's say around 1000 per chapter with a little less variety. और DC पांडे में आपको ज्यादा variety मिलेगी with comparatively less number of questions. तो आप अपनी choice के हिसाब से दोनों में से कोई भी question bank ले सकते हैं। MTG Neat Explorers, Exemplars और Fingertips। मैंने इन question banks खुद भी solve किए हुए हैं, they are nice. आप इन्हें solve कर सकते हैं, but they are not extraordinary. They are appropriately good. IE Irado। मैंने इस बुक को मैकेनिक्स के लिए सॉल्व किया था एंड आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन आपको ये बुक नीट के लिए सॉल्व करनी चाहिए। इसका नीट के पैटर्न से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और अगर आप ये बुक खरीद भी चुके हैं फिर भी आपको इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को हम सबसे एंड में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको भी एनसीईआरटी अपने किसी एक स्टडी मटेरियल जो आप चूज करेंगे उसे पढ़ने के बाद ही यूज करना चाहिए। मैंने एनसीईआरटी खुद भी पढ़ी है एंड आई थिंक आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए इफ टाइम एंड स्ट्रेंथ अलाउस। याद रखिए कि हमें एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी तक कन्फाइंड नहीं रहना है। एनसीईआरटी से आगे बढ़ के हायर लेवल क्वेश्चन को सीखने से और उन पर स्ट्रगल करने से हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। प्रो टिप, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ना सिर्फ उससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकते हैं बल्कि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी नेक्स्ट लेवल तक चले जाएंगे। ओके, अब कोई एक स्टडी मटेरियल चूज करो, उसे पढ़ना स्टार्ट करो, एक येलो हाइलाइटर लो और इंपॉर्टेंट चीजें हाइलाइट करते जाओ। अब आप सोच रहे होगे हाइलाइट क्यों, बाद में शॉर्ट नोट्स तो हम बनाने ही वाले हैं, लेकिन नहीं, हियर मी आउट। शॉर्ट नोट्स आर जस्ट ओवररेटेड। आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स के बहुत सारे फायदे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन सोच के देखो, शॉर्ट नोट्स का जो काम है चीजें हाइलाइट करने से बिल्कुल वही चीज नहीं हो रही क्या? इनफैक्ट हाईलाइट करने के दो फायदे एक्स्ट्रा हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में जो बहुत सारा टाइम लगता वो आपका बच गया, उसमें आप हाईलाइटेड पॉइंट्स 5-6 बार और रिवाइज कर सकते हो। और दूसरा ये कि हाईलाइटेड पॉइंट्स रिवाइज करते वक्त अगर आपकी नजर किसी ऐसे टॉपिक पे पड़ गई जो आप पूरा ही भूल चुके हो तो आप उस एक टॉपिक को फिर से पूरा ही रिवाइज कर सकते हो। ये चीज शॉर्ट नोट्स में पॉसिबल नहीं थी। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में शॉर्ट नोट्स यूज नहीं किए, बस हाईलाइटेड पॉइंट्स रिवाइज किए एंड आई डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन एट ऑल। आई एम श्योर आप भी नहीं करेंगे। ओके, अब बारी
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जिसके लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस, तो अपना कैलकुलेटर डोनेट कर दो और कसम खाओ कि आगे से कभी कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे। आपको हमेशा अपनी कैलकुलेशंस रफ शीट पे ही करनी चाहिए वरना एग्जाम में मुश्किल हो सकती है। अगर आप न्यूमेरिकल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप पहले पहले बिना टाइम नोट किए सॉल्व कर सकते हैं और एक एक सवाल के बाद आंसर्स चेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन विद टाइम आपको सवाल सॉल्व करने होंगे इन अ टाइम बाउंड मैनर, लेट्स से अराउंड 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, और एक साथ सारे सवाल करने के बाद फिर आप अपनी आंसर चेक करके अपनी एक्यूरेसी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चन बैंक में सवाल सॉल्व करते वक्त कभी भी सही ऑप्शन पर टिक मार्क नहीं करना चाहिए, बस आप क्वेश्चन नंबर पर टिक कर सकते हैं टू नोट दैट यू हैव डन द क्वेश्चन। अगली बार रिवीजन के टाइम जब आप ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पहले से आंसर नहीं पता चलेगा एंड यू कैन टेस्ट योरसेल्फ अगेन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो कि या तो काफी अच्छे लेवल के थे या फिर उनसे बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ रिवाइज हो रहे थे, तो ऐसे सवालों को आपको अपने किसी निशान से मार्क कर लेना है। मैं एक हैशटैग यूज करता था और आप भी यूज कर सकते हैं। इससे ये फायदा है कि अगली बार जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आप सिर्फ मार्क क्वेश्चंस ही सॉल्व कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा और सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते जाना है और विद टाइम आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगी। अब कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इन सवालों का आपके पास सोल्यूशन हुआ तो ठीक, वरना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस doubtnet.com पे जाकर इस सवाल को वर्ड टू वर्ड सर्च करना स्टार्ट करो और आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं खुद भी टीचर से जाके पूछने से ज्यादा वीडियो सोल्यूशन देखना प्रेफर करता था क्योंकि इससे आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। अब इन सभी चीजों को करने के बाद आपको पहले तो नीट के और फिर हो सके तो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आप एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स और पैटर्न के साथ कंफर्टेबल हो सके। लेकिन पीवाईक्यूज सिर्फ एक्स्ट्रा हेल्प के लिए हैं और सारी चीजें छोड़ के सिर्फ इसे ही करने से फायदा नहीं होगा। अब आप अपनी नीट प्रिपरेशन की किस स्टेज में है उस हिसाब से चीजें आपके लिए स्लाइटली डिफरेंट होंगी। अब आप 9th, 10th में या उससे भी जूनियर क्लास में है तो जो मर्जी जैसे मर्जी आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस स्टेज पे बस आपका प्राइम कंसर्न अपना मेंटल कैलिबर बढ़ाना होना चाहिए। अब 11th क्लास में है तो आपको चीजें सीरियसली लेने की जरूरत है। इवन दो आपके पास काफी टाइम है, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स अच्छे से पढ़ो, अपना कंसेप्ट क्लियर करो और स्लोली चीजें करते जाओ। और सबसे बड़ी चीज, बैकलॉग्स कभी भी मत आने दो ताकि 12th क्लास में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप 12th क्लास या ड्रॉप ईयर में हैं तो एक प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप किसी एक क्लास के चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो दूसरी क्लास को ना भूलने के लिए चीजें कैसे रिवाइज करें। लेट्स से यू आर इन 12th क्लास, तो आप 12th की चीजें पढ़ते वक्त 11th क्लास की पढ़ी हुई चीजों को भूलने से कैसे रोक सकते हैं। एंड फॉर दिस आई हैव 2 मेथड्स फॉर यू। नंबर 1, द टेस्ट मशीन मेथड। इसमें आपको 12th के टेस्ट के साथ साथ 11th के सिलेबस के टेस्ट भी देने होंगे जिससे आपका रिवीजन टेस्ट के सिलेबस के साथ साथ ही हो जाएगा। आइडियल फॉर पीपल जिन्हें कुछ पढ़ने की मोटिवेशन तभी आती है जब उनके सामने टेस्ट आ रहा हो। नंबर 2, द चैप्टर एनालॉजी मेथड। इसमें जब आप 12th का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो 11th क्लास में उससे रिलेटेड जो चैप्टर था उसे भी साथ में रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम 12th क्लास इज लिटरली द सेम एज ग्रेविटेशन फ्रॉम 11th क्लास। तो दोनों चैप्टर्स को साथ में रिवाइज करने से चीजें काफी कन्वीनियंट हो सकती हैं। इट इज आइडियल फॉर दोज पीपल हु आर मोटिवेटेड इनफ टू डू थिंग्स इन एडिशन टू व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू सर्वाइव। In short, ideal NEET aspirant. अब क्योंकि टेस्ट की बात हो ही चुकी है, it is time for our third layer, which is testing, जहां mock test की help से आपकी preparation का analysis होगा. Mock tests are one of the top, if not the most important part of your NEET preparation. आप subject wise tests या फिर full NEET pattern based test attempt कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको हमेशा NEET pattern based 720 marks के ही test attempt करने चाहिए. आप already किसी test series में enrolled नहीं है, तो आप PW, LN या आकाश किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा साथ में प्रैक्टिस के लिए OMR बबलिंग भी कर रहे हो और पेपर भी आपको रूबिक्स क्यूब की तरह लेयर बाय लेयर सॉल्व करना है, स्टार्टिंग विद द मोस्ट इजी क्वेश्चंस, फिर मीडियम क्वेश्चंस एंड द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट द एंड। टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट में की हुई गलतियों का अच्छे से एनालिसिस करना है ताकि वो गलतियां फिर से रिपीट ना हो। आप अपने स्टडी मटेरियल पे टेस्ट में की हुई गलत चीजें रेड हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं ताकि अगली बार रिवाइज करते वक्त आपका ध्यान सीधे उन चीजों पर जाए। ओके, सो दैट्स इट। आपको फिजिक्स में 180 स्कोर करने से अब कोई नहीं रोक सकता, बस जरूरत है आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल, go study. What just happened?